वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है। एक समय था कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर विकास के पथ पर चल निकला था। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर को अब जरूरत थी दिल्ली से कनेक्ट करने की। इस मुहिम को भारतीय रेलवे ने 1976 में सफल कर दिखाया। हालांकि साउथ से नई दिल्ली के लिए ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस काफी पहले चला दी गई थी, जो बैंगलोर तक तो नहीं आती थी पर मैंगलोर तक जरूर जाती थी, जहां से मीटर गेज ट्रेन्स की डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी बैंगलोर तक, या फिर हैदराबाद से मीटर गेज ट्रेन्स पकड़ी जा सकती थी बैंगलोर के लिए। 1976 में एक फेमस ट्रेन जिसका नाम रखा गया के एक्सप्रेस चलाई गई। आज भी इस ट्रेन को बैंगलोर के स्थानीय निवासी और रेल कर्मचारी के एक्सप्रेस के नाम से ही जानते हैं। तो आइए जानते हैं कर्नाटका एक्सप्रेस की पूरी दास्तान। 1976 में कर्नाटका केरला एक्सप्रेस चलाई गई थी। हालांकि काफी लंबे समय तक चेन्नई से बैंगलोर का जो रेल रूट था वो मीटर गेज था और ब्रॉड गेज ट्रेन की कनेक्टिविटी जोलारपेट से छूट जाती थी। गौरतलब है कि जोलारपेट से बैंगलोर की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है। आपने शोले मूवी का वो सीन तो देखा ही होगा जब ठाकुर ट्रेन से उतरता है और जहां से बसंती तांगे में जय और वीरू को बैठाती है। यह स्टेशन था बैंगलोर से मैसूर के बीच पड़ने वाला रामनगरा रेलवे स्टेशन, जो कि एक मीटर गेज रेलवे स्टेशन था जिसे रमेश सिप्पी की शोले में रामगढ़ नाम दिया गया था। 1973 में चलाई गई जयंती जनता एक्सप्रेस कोचीन से नई दिल्ली के बीच चलती थी, जिसके बाद 1976 में चली के एक्सप्रेस, दूसरी ट्रेन थी जो केरला को नई दिल्ली से कनेक्ट करती थी, जिसका ट्रेन नंबर था 131-132। इस हिसाब से देखा जाए तो साउदर्न केरला को दिल्ली से कनेक्ट करने वाली देश की पहली ट्रेन थी के एक्सप्रेस। और जब इतिहास की बात छेड़ी ही गई है तो अच्छे से ही समझ लिया जाए, जयंती जनता एक्सप्रेस को अच्छी खासी लोकप्रियता नहीं मिली थी, ये ज्यादातर कैंसिल या डाइवर्ट हो जाती थी। इसकी उत्तराधिकारी बनी ट्रेन नंबर 131-132 मंगल लक्षद्वीप एक्सप्रेस। साउथ के लिए इस समय तक जीटी एक्सप्रेस ही एक ट्रेन थी जो एक अच्छा खासा नाम कमा चुकी थी। समय के साथ जीटी एक्सप्रेस में एयर कंडीशन कोचेस भी इंट्रोड्यूस किए गए, साथ ही साथ इनमें टीवीज भी लगी हुई थी। और के एक्सप्रेस के पहले लोग इसी ट्रेन को प्रेफर करते थे दिल्ली तक की यात्रा के लिए, मतलब लोग केरला से कर्नाटक से ऑल द वे चेन्नई आते थे, जहां से जीटी एक्सप्रेस पकड़ के दिल्ली के लिए रवाना होते थे। फिर रेलवे में क्रांति का एक और दौर चला जो गेज कन्वर्जन के बाद आया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स इरा में तो अधिकांश रूट में मीटर गेज ही थी। 2 अगस्त 1976 को लेजेंडरी तमिलनाडु एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। फिर 1976 अक्टूबर में एपी एक्सप्रेस सिकंदराबाद से दिल्ली के लिए चलाई गई, पर केरला और कर्नाटका स्टेट्स को बस एक कॉमन ट्रेन मिली जिसका नाम रखा गया के एक्सप्रेस। रेलवे को लगा नहीं था कि केरला और कर्नाटका रीजन में कोई खास प्रचलित हो पाएगी ये ट्रेन, इसलिए दोनों को ही मिक्स करके एक ट्रेन चलाई गई थी। इन ट्रेन्स का अलग अलग दिनों पर लगभग सेम टाइम पर ऑपरेशन होता था। ये सभी ट्रेन्स यानी तमिलनाडु एक्सप्रेस, एपी एक्सप्रेस और के एक्सप्रेस इंट्रोडक्शन के साथ ही रेलवेज में ट्रेवल टाइम में काफी कमी ले आई थी। जैसे हैदराबाद से दिल्ली की जो 33 घंटे की दूरी थी वो मात्र 23 घंटे की बची थी। वहीं बैंगलोर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को जो काफी समय बर्बाद होता था वो अब के एक्सप्रेस के इनॉग्रेशन के साथ 20 घंटे तक कम हो गया था। अब जरा सोच के देखिए उस समय की के एक्सप्रेस का क्या रुतबा रहा होगा। एक तो डायरेक्ट ट्रेन की सौगात, वो भी सुपर फास्ट। जिन भी ट्रेन्स का हमने जिक्र किया उन्हें WDM सीरीज के लोकोमोटिव हॉल करते थे। बस एक ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन थी जिसमें WP क्लास का लोकोमोटिव यूज किया जाता था। हालांकि कुछ समय बाद ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस में भी डीजल लोकोस का इस्तेमाल शुरू हो गया था। साउथ के बिग फोर कहे जाने वाली इन ट्रेन्स का रन हफ्ते में अलग अलग दिन जरूर था, पर टाइम और शेड्यूल और स्टॉपेज लगभग एक जैसे थे। 1983 में के एक्सप्रेस में कर्नाटका एक्सप्रेस और केरला एक्सप्रेस अलग कर दी गई और अब इनका कहीं मर्जर नहीं होता था। हफ्ते में 4 दिन सुबह 6:15 पर तमिलनाडु एक्सप्रेस नई दिल्ली से रवाना होती थी और उसी टाइमिंग पर कर्नाटक एक्सप्रेस नई दिल्ली से डिपार्ट होती थी बैंगलोर के लिए। और वहीं दूसरी टाइम स्लॉट पर दोपहर के 2:15 पर केरला एक्सप्रेस हफ्ते में 2 दिन और एपी एक्सप्रेस हफ्ते में 4 दिन अपने अपनी मंजिल को डिपार्ट होती थी। बात करें वापसी की तो तमिलनाडु एक्सप्रेस, केरला एक्सप्रेस और एपी एक्सप्रेस का शेड्यूल एक ही था। के एक्सप्रेस या कहें कर्नाटक एक्सप्रेस अब हफ्ते में 1 दिन अपने पुराने रूट से चलती थी जो था विजयवाड़ा के रास्ते और 1 दिन चलती थी काजीपेट सिकंदराबाद रायचूर गुंडकल के रास्ते। पैसेंजर्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए रेलवेज ने इसमें कोचेस की संख्या में इजाफा कर दिया, पर 2600 हॉर्स पावर वाले WDM2 के लिए इतनी भारी ट्रेन खींचना आसान नहीं था। इस ट्रेन में ट्विन WDM लोकोस लगने लगे थे जो 2018 तक लगते रहे, जिसके बाद WDP4 भी लोकोस लगने लगे। इन बिग फोर ट्रेन्स में कोई भी ट्रेन उस समय आगरा, ग्वालियर, इटारसी जैसे स्टेशन पर नहीं रुकती थी। बढ़ती डिमांड के साथ इन ट्रेन्स में कोचेस संख्या में इजाफा किया जाने लगा था। अभी ट्रेन 24 कोचेस की हो चुकी थी। इन ट्रेन की पहचान बन चुकी थी ट्विन WDM2 लोकोस और रेड क्रीम कलर की लिवरी।
1988 के आते ही इन ट्रेन्स को डेली कर दिया गया और इनका अब एक अलग टाइम स्लॉट भी था। अब कर्नाटका एक्सप्रेस का एक फिक्स रूट था जो कि था धर्मावरम, गुंटकल, गुलबर्गा, सोलापुर, दौंड, मनमाड, भुसावल, इटारसी, नागपुर, झांसी, आगरा कैंट और गंतव्य नई दिल्ली। धीरे धीरे होते गेज कन्वर्जन के बाद 1992 में बैंगलोर राजधानी अस्तित्व में आई, पर के एक्सप्रेस के रुतबे में कोई फर्क नहीं आया। 1978 में इस ट्रेन के मात्र 12 स्टॉप थे जो आज 40 से भी ज्यादा है। और इससे भी बड़ी बात, ये ट्रेन 1978 में आज की कर्नाटका एक्सप्रेस से ज्यादा तेज थी। द फोर साउदर्न किंग्स यानी कर्नाटका एक्सप्रेस, केरला एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस, एपी एक्सप्रेस का रेलवेज में पदार्पण देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि लोगों की गतिशीलता, विकास और अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रथम स्तंभ था भारतीय रेलवे। इन ट्रेनों ने एक ऐसे युग में लंबी दूरी की यात्रा में क्रांति लाई थी जब क्रॉस कंट्री यात्रा एक कठिन चुनौती थी जिसे ज्यादातर लोग भय से देखते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन ट्रेन्स ने नॉर्थ और साउथ के बीच ब्रिज का काम किया था। आज ये ट्रेन्स किसी भी सामान्य ट्रेन की तरह भले ही चुपचाप प्लेटफॉर्म पर लग जाती हैं, पर ये ट्रेन लेजेंडरी ट्रेन्स है। इनका इतिहास बहुत ही बेमिसाल था। इसमें मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि इन ट्रेनों को उनके गौरव के दिनों में वापस लाना चाहिए। इन ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन्स का दर्जा देना ही चाहिए। अनावश्यक स्टॉप्स को हटाकर ट्रेन के रनिंग टाइम को कम करना चाहिए और सुविधाओं में बेहतर सुधार करना चाहिए। एक कमाल का ट्रांजिशन हुआ है उस जमाने और अब में। तब हर कोई ट्रेन से ही जाता था और हर ट्रेन की अलग पहचान थी, पर वो दौर धीरे धीरे जा रहा है। लोग ट्रेन ट्रेवल से फ्लाइट ट्रेवल पर शिफ्ट होने लगे हैं क्योंकि इसमें समय की काफी बचत होती है और ये बेमिसाल ट्रेन अपनी पहचान खोने लगी हैं। अगर आप आज भी मेरी तरह फ्लाइट ट्रेवल की जगह ट्रेन ट्रेवल को प्रिफर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। खैर, वीडियो को करते हैं यही समाप्त और अब दीजिए इजाजत। जल्द ही मिलता हूँ आपसे इसी तरह की किसी और वीडियो, केस स्टडी या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।